हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर DS POMU के लिए अप्लाई किए हैं BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, उन सभी के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है कि आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर DS POMU के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो आपका लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर आपको दिखेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, वैसे हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और जो अपडेट है मैं आपको कम्प्लीटली पढ़कर बता देता हूँ कि क्या अपडेट है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, कब है एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैटर्न क्या रहने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और फिर आपका मेरिट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, वीडियो पे बने रहिए। नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर एडमिशन से अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट अभी यहां पर कमेंट करके बोलेंगे कि सर क्या अगर BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन का और BBA का एंट्रेंस टेस्ट, आपको पता होगा पहले BBA यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव का भी यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट और आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर उनका रख दिया गया है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन रख दिया गया था कि एंट्रेंस एग्जाम के साथ किया जाएगा। ठीक है, बट BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए थोड़ा अलग है। अगर हम बात करते हैं और भी UG कोर्सेज के लिए तो यहाँ पर एंट्रेंस होता है। ठीक है, कोविड के वजह से आपको बता दें, कोविड का जो पैंडमिक था डियर स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाता था, ये बात को आप समझिए। उसके पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था तभी यहाँ पर आपका एडमिशन लिया जाता था। ठीक है, देखिए अब क्या अपडेट है, मैं आपको बढ़कर बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर देख लीजिए। बोला जा रहा है इन इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिस, एडमिशन टू BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो नोटिस है वो सिर्फ BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है, विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मेरिट बनेगा डियर स्टूडेंट, वो पूरी तरह से एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे बनेगा। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन 2022 विल बी हेल्ड ऑन 14 अगस्त 2022 संडे। ठीक है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा यानी कि आपका परीक्षा जो होगा आपका एडमिशन से पहले, वो आपका 14/8/2022 यानी कि 14 अगस्त 2022 दिन आपका रविवार है, संडे है, उस दिन यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन का फॉर्म भरे थे एडमिशन के लिए, उन सभी कैंडिडेट को 14 तारीख को यहाँ पर आपको DSPMU में जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब देखिए सिलेबस क्या होगा एंट्रेंस टेस्ट का और पैटर्न क्या होगा वो बता रहे हैं। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपका 60 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 60 मार्क्स, क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। आप देखिए क्या क्या आपका सिलेबस है वो देख लिया। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज GK जो आपका वो करंट अफेयर में डियर स्टूडेंट वो सारे जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि आपका इंडियन पॉलिटिक्स या फिर बोल सकते हैं जो आपका इंडिया से बाहर जो भी देश है वो सब क्या क्या भी मुद्दे चल रहे हैं, वो सारे जो करंट में अभी जो आपका गेम हो रहा है उसमें कौन जीते हैं या कौन विजेता हुए, वो सभी चीज़ आएगा करंट अफेयर में। मेनली आप करंट अफेयर कुछ कवर कर लीजिएगा एक दो मंथ का या इस साल का, तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बट जो लेटेस्ट अपडेट होगा करंट अफेयर का वही आप कवर कीजिएगा। और आपका जनरल नॉलेज के लिए अगर लूसेंट आप कर लेते हैं तो आपका लगभग अप्रोक्स हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, ये बात का ध्यान रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद बेसिक कंप्यूटर साइंस, आपका जो बेसिक कंप्यूटर साइंस है, जैसे कि आप लोग 12th में जो भी कंप्यूटर ऑप्टेट किए होंगे उनका जानकारी होना चाहिए, या बेसिक कंप्यूटर साइंस पूछा जा रहा है यानी कि आपको डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत ईजी होंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स आपका क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग और इंग्लिश से। ठीक है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए जाएंगे। ठीक है, टोटल अगर टॉपिक की बात करें तो आपका जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपका टोटल अगर मिलाकर हम बात करें तो 3 और इधर 4, आपका 7 टॉपिक यहाँ पर है जिससे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो ज़्यादा नहीं, आपका 10+2 का यहाँ पर एंट्रेंस हो रहा है, यानी कि 12th के बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो 10+2 का यहाँ पर लेवल जो क्वेश्चन आता है वही पूछा जाएगा। नॉर्मली अगर आप SSC CHSL के सब क्वेश्चन देखेंगे, GK GS का, वही टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, उससे ईजी रह सकता है, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए द मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर एडमिशन विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ
एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप परीक्षा देंगे डियर स्टूडेंट 14 तारीख को, उसी के बेसिस पे आप जितना मार्क्स लाएंगे यानी कि जितना 60 आपका टोटल नंबर है, आप इसमें जितना स्कोर करेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पर आपका जो मेरिट आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका प्रिपेयर किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट नॉट अपेयरिंग इन द एंट्रेंस विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अगर यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम या फिर परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे 14 अगस्त 2022 को, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ, उन सभी के लिए एडमिशन के लिए कोई यहाँ पर चांसेस नहीं कि आपका एडमिशन होगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। जो एंट्रेंस एग्जाम में नहीं जाएंगे या नहीं देंगे, एबसेंट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट का यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सर्कमस्टांसेस में आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर बोल दिया गया, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर डिटेल क्या है एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम का वो आप देख लीजिए कि कहाँ पर और किस दिन होगा। आपको मैं डेट आपको तो बता ही दिया कि 14/8/2022 दिन आपका रविवार है, उस दिन होगा। डेट जो आपका है एग्जामिनेशन का 10 से 11 PM तक का, यानी कि आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल 1 आवर आपको टाइम दिया जाएगा, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन जो है वेन्यू अगर बात करें कि आपका एग्जाम कहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट, तो आपका एग्जामिनेशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी मोरहाबादी रांची में होगा, आप पता कर लीजिएगा, DSPMU यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, वहीं पे आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट होगा, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेसिस पे लिया जा सकता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और नहीं तो फिर ऑफलाइन, ये अभी यहाँ मोड नहीं बताएं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में, ठीक है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहेगा। अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे देना है, या ऑफलाइन होगा तो आपको ऑफलाइन ओमआर सीट पर देना पड़ेगा, ठीक है। नोट यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए 10 बजे से आपका एग्जाम तो है, बट आपको 9:30 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन होगा, तभी आपको एग्जाम सेंटर्स में या एग्जाम हॉल में घुसने दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप 9:30 बजे तक आप इन हार्डली पहुँच जाइए, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट नीड टू कैरी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डली फील्ड ऑन चांसलर पोर्टल। देखिए डियर स्टूडेंट, जो भी चांसलर पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भरे होंगे BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, उनका जो प्रिंटआउट आया होगा, अभी फॉर्म भरे होंगे तो प्रिंटआउट आया होगा कि आप इस फॉर्म को भर चुके, उसको लेकर जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रिंटआउट को आपको लेकर जाना है, नहीं प्रिंटआउट कराएं तो आप जाइए चांसलर पोर्टल पर लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा, प्रिंट आपका आएगा एप्लीकेशन, आपको प्रिंट कर लेना और उसको लेकर जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आपका दूसरा जो है वो बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट है मस्ट कैरी करेंगे अपना आइडेंटिटी प्रूफ का, उसमें आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, एडमिट कार्ड हो सकता है क्लास 12 का, और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ। इसके साथ साथ आपका पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भी यहाँ पर हो सकता है जिसमें कि आपका फोटोग्राफ दिया हुआ, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं या तो फिर एडमिट कार्ड 12th का लेकर जाइए, वो आपको तो मिल ही गया होगा, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे अगर नहीं है ये आधार कार्ड तो फिर आप यहाँ पर ले जा सकते हैं अपना कोई भी वैलिड प्रूफ जो उसमें आपका फोटोग्राफ दिया हुआ है, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर आधार कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड तो वैसे नॉर्मली सभी के पास होता है, ठीक है। थर्ड में आपका कैंडिडेट शुड नॉट कैरी एनी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आप जाएंगे तो आपका बैग अगर रहेगा तो बैग में एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर रखा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई तरह का यहाँ पर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कि डिजिटल वॉच या फिर डिजिटल कैलकुलेटर ये वो आपको लेकर नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। जैसे जैसे एडमिशन से और रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। इसके साथ साथ एक बता दूं स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन का फॉर्म भरे डियर स्टूडेंट, वो आप लोग 14 तारीख को सभी लोग यहाँ पर जाकर एग्जामिनेशन दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ये बात का ध्यान रखें। देखिए एग्जामिनेशन क्यों लिया जा रहा है मैं आपको ये भी चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सोचिए कि यहाँ पर पूरी तरह से फेयर एग्ज़ाम, फेयर यहाँ पर एडमिशन हो, तो इसके लिए यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर दे दिया गया। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाइए अपना तैयारी थोड़ा सा कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। आज आपका 1 तारीख है और यहाँ पर आपका 14 तारीख को एग्जामिनेशन है, लगभग आपके पास यहाँ पर 12 से 13 दिन आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम है, आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक यहाँ पर रखिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करिएगा, अपने बेसिस पे 12th लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो
देख लीजिएगा, आपका इंट्रेंस एग्जाम में जरूरी अच्छा मार्क्स आएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन जरूरी होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिए, अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से इस वीडियो को देखकर कंप्लीटली अपना इन्फॉर्मेशन ले दें ताकि उनका यहाँ पर एडमिशन या इंट्रेंस एग्जाम छूटे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।